ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच NCDHR के द्वारा आई कफ आश्रम भोपाल मध्य प्रदेश में एक दिवसीय राज्य स्तरीय दलित महिला पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की जनरल सेक्रेटरी अभिरानी ज्योतिर स्वरण तथा बाल किशन व्यास ग्राम विकास एवं पंचायत राज्य ट्रेनर उपस्थित हुए। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश राज्य में दलित महिला जनप्रतिनिधियों का क्षमता वर्धन करना तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव व पंचायत के विकास में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा करना तथा उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाना। इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश राज्य के 4 अलग अलग जिलों भोपाल, सागर, छतरपुर एवं दमोह से 12 दलित महिला सरपंच एवं उनके साथ जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान दलित महिला प्रतिनिधियों ने अपने अपने पंचायत के विकास कार्य में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में बताया तथा अपने पंचायत में और बेहतर कार्य करने के प्रस्ताव को भी रखा। अपनी आवाज़ को उठाते हुए दलित महिला जनप्रतिनिधियों ने बताया कि किस प्रकार समाज में उन्हें भेदभाव, शोषण, समस्याओं तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सभी दलित महिला प्रतिनिधियों ने बारी बारी से अपनी समस्याओं और चुनौतियों को बताया। उनका कहना था कि उन्हें समय पर बजट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से विकास कार्य में उन्हें बाधा आ पहुंचती है। उनके सचिव और उच्च अधिकारियों से दलित महिला जनप्रतिनिधियों को उचित सहयोग नहीं मिल पाता है। ग्राम के पूर्व सरपंचों जो कि दबंग जातियों से हैं के द्वारा ग्राम के विकास के कार्यों में बाधा डाली जाती है। तरह तरह की उन्हें धमकियां दी जाती है और दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से उनको कार्य करने में बाधा आती है। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच से नेशनल टीम इंडिया से सुश्री पूनम डेलवाल और मध्य प्रदेश राज्य से AIDMAM की राज्य समन्वयक गायत्री सोनकर, जिला समन्वयक द्रौपदी नवीन, मीना पवार, सुशीला प्रजापति एवं फेलो नीतू इमले, खुशबू अहिरवार और साधना अहिरवार ने भाग लिया। मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अभिरामी। हम लोग ये आज का कार्यक्रम किया है। हम कम से कम 2 साल से हमने सब दलित महिला को नेतृत्व को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुख्य हमने दलित महिला सरपंचस को उसका संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और उसको सक्षम देने के लिए हमने ट्रेनिंग दिलवाते रहते थे। हम ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच कम से कम 6 राज्य में काम कर रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह हमने काम कर रहे हैं। हम इसी सब जगह पे इस तरह दलित महिला सरपंचस को संगठन बना के उनको संघर्ष के लिए हमने काम कर रहे हैं। आज हमने बिहार ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, आज भी इसी उद्देश्य हमने आज सबको हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा उनको क्या क्या अभी तक हमने 2 साल से सक्षम दिया, उसमें क्या अचीव हुआ है और उसका क्या क्या संघर्ष को और आगे बढ़ाने के लिए हमने आज कार्यक्रम है। हम कल भी कुछ ज्ञापन लेके हमने सेक्रेटरीज को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को भी रखने के लिए भी हमने प्रयास करेंगे। देखिए, ये उद्देश्य जो हमारा है, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और हम लोग विशेषकर दलित आदिवासी महिलाओं के मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उनके उनकी जातीय व्यवस्था को अगर हम देखें तो आज भी वो पुअर ही है। उसके साथ में अगर हम जेंडर को भी देखें तो वो भी पुअर है। उसके साथ में जो स्कूल में भेदभाव, छुआछूत है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार बच्चों के साथ, यूथ लड़कियों के साथ, एज ए दलित महिला सरपंचों के साथ में भी हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जब जमीनी स्तर पे काम करना देखा तो वहां पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ में भेदभाव, छुआछूत हो रहा है। अगर एजे एक दलित महिला सरपंच, अगर एक सरपंच है, एक गांव की मुखिया है, उसको भी इस कुर्सी पर बैठना कितना मुश्किल है।
उसके साथ में कितना भेदभाव है। एक गाली की तरह एक महिला को बोला जाता है। एक सचिव है जो कि एक सचिव है जो पंचायत में रहते हैं, वो एक सरपंच को काम करना कितना मुश्किल, ना तो वो काम करते हैं ना तो करने देते हैं। तो जो हम लोगों को मुद्दे निकल कर आए, तो हम लोगों ने आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दों को निकाला है और महिलाएं, हमारी जो दलित महिला सरपंच आई हैं, वो खुद अपने मुद्दों को यहाँ पर बता रहे हैं और हम लोगों ने इसको एक मेमोरेंडम भी कल हम लोग यहाँ पर देंगे। मेरा नाम गायत्री सोनकर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश।